हेलो, तो वेलकम बैक टू दी गेम जो मैं स्ट्रीम में एक बार फिर आ चुके हैं। हम अपनी स्ट्रीम लेकर के कि भाई हम डेली करते ही हैं, पता नहीं मैं क्यों डेली बोल बोल करवाई चाहिए हासिल कर लेता हूँ। क्योंकि वैसे मीटिंग में आया नहीं, वीडियो तुम तेरी दोस्त को फायदा नहीं सीखा। और भाई यहाँ पर देख लिया जाए 100 बंदे जो है थे, बस इतने बंदे यहाँ पर आए हुए भाई देख लिया जाए। बाकी भाई काफ़ी यहाँ पर सभी छोड़े आती हैं जो कि अपने साथ खेलती हैं, सभी छोड़े यहाँ पर आ चुकी 99 बंदे ज्वाइन हो चुके हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर एक बंदा चुरान का शिकार भाई, उसको चुरान में से रिपेट लिया गया, क्वारंटाइन किया गया है सभी भाई। यहाँ पर देख लिया जाए सभी स्कोर यहाँ पर आती है, काफ़ी कोई शॉर्ट की स्कोर है, छोटे से कोई स्कोर आई है भाई यहाँ पर। कल बिराज रसूल जॉन और बाइबल मैरर भाई की स्कोर क्या ही बात है भाई, देखना जो होगा कौन सी टीम कहाँ जाती है। बाकी भाई दो तीन टीमों का तो हमें फिक्स ही पता है, आजकल कोचिंग की जा रहे हैं अब काफ़ी अच्छे खेलते हैं भाई। यहाँ पर देख ली जाए कौन सी टीम कहाँ जाएगी, प्लेन की बात प्लेन पास की बात निकल ली जाए तो कहाँ से जा रहा है भाई। प्लेन पास को देखना सबसे जरूरी है, टीमों से होता हुआ सीधा मैंशन की तरफ वाह, मतलब बहुत बड़े जल्द वालों के लिए थोड़ी दिक्कत होने भाई, यहाँ पर गाड़ी लेकर जाना पड़ेगा। और भाई बाकी शिवाने वालों के लिए थोड़ी दिक्कत है, या शिवाना वालों बड़े इजीली वहाँ पर पहुँच जाएंगे, रोजो वाले बड़े इजीली पहुँच जाएंगे। और भाई तीन नंबर ग्यारह जितने की वो मेरे ख्याल से अपने डेस्टिनेशन पे और कोई शॉर्ट टीम भी वहीं पर जाने वाली है, जहाँ पर मुझे लगता है निकल चुकी हैं भाई यहाँ पर टीमें। लेकिन टीम ऑफ की तरफ मेरे ख्याल से टीम नंबर 14 और टीम नंबर 5 पर किए जहाँ पर मुझे लगता है। और भाई नैड मैच जो कि भाई काफ़ी अच्छा खेले थे कल की स्ट्रीम में, बहुत ही बढ़िया उन्होंने बीस फिल किए थे, लेकिन भाई वहाँ पर सीजन डिनर नहीं कर पाए थे, तो भाई इसीलिए वहाँ पर काफ़ी गलत सीन हो गए थे। मेरे साथ वरना भाई मेरे को मिल जाता अगर उस लड़ने में पहले से पैरी केयर में उतरते हुए उनके साथ भाई टीम नंबर 4 उतरती है भाई टीम जाती है। बाकी टीमें भाई यहाँ पर क्वेश्चन की जा रही है, क्या ही बात है की टीम शॉट मैग्नेट और टीम भाई वहीं पर जा रही है, टीम नंबर 1 भाई वहीं पर जा रही है, क्या ही बात है। टीम नंबर 9 मतलब आज कुछ ज्यादा ही टीमें जा रही है भाई, टीम नंबर 13 और भाई यहाँ पर टीम नंबर 23 वगैरह मेरे ख्याल से अपार्टमेंट और लोग वगैरह जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पर देखना होगा सबसे पहली फाइट किस टीम के बीच होती है, कैसी टीम का फाइट होती है भाई यहाँ पर, किसी की फाइट भी हो सकती है, मतलब मेरे ख्याल से टीम नंबर 6 की तरफ भी फाइट हुई है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वहीं पर बहुत ही करीब है। जी हाँ वहाँ पर एक्वा बैट भाई नॉक पड़े हैं वहाँ पर, और सामने भाई वहाँ पर मैड मैक्स क्या इस पर भाई वहाँ पर ब्रेक दिया गया है मैड मैक्स की तरफ से भाई वहाँ पर हर्ष भाई को यहाँ पर भाई इमरान भाई पीछे जाते हुए डेविड इमरान भाई को नॉक करते हुए क्या ही बात है। मैड मैक्स भाई काफी अच्छा वहाँ पर प्रदर्शन दिखाते हुए अपने टीम मेंबर्स को बहुत ही बढ़िया कवर देते हुए वहाँ पर, उनके टीम मेंबर्स एक नॉक पड़े जिनको बड़े इजी भाई डिवाइड भी करेंगे, और सामने के दो मेंबर्स भाई नॉक पड़ते हैं जिन्हें टीम पूरा किया जाएगा भाई एक और जो सफाई किया जाते हुए यही मेरे ख्याल से रेस्ट करेंगे भाई उनके टीम के ऊपर, क्योंकि दो मेंबर्स नॉक पड़े उनके मेंबर जो है वो वहाँ पर टीम नंबर 4 का हमारा टीम मैच डिवाइड करने के लिए आते हुए मैन मैच आने आए, उन्होंने देख लिया है कि भाई वो अपने टीम मैच को निशा 100 भाई भी यहाँ पर देख लिया गया भाई निशा 100 भी निकल चुका है टीम मेट को भाई डिवाइड करने कोशिश किया। एक और जो करना है उन्होंने स्पोर्ट किया जहाँ तक मुझे लगता है कि एक वो जोकर भाई वहाँ पर घुसने की कोशिश करेंगे वहाँ पर, सीधा भाई स्टन ग्रेनेड उनके पास निकाल नहीं है, तो भाई स्टन ग्रेनेड वहाँ पर किया उन्होंने मैं कल सीधे घुसेंगे यहाँ पर। एक बंदे को वहाँ पर डेविड इमरान भाई को भी नौकर दिखते हैं, और भाई यहाँ पर नीचे 100 को भी नौकर करते हुए भाई यहाँ पर अकेले बचे हैं उनके टीम में, तो भाई यहाँ पर देखना होता है मतलब भाई किस कर लेकर भाई इतना भी कॉन्फिडेंस उसकी बात नहीं होती, लेकिन पीछे टीम से कवर मिल गया उन्हें तो भाई इसीलिए वहाँ पर बड़े टीम फट गए वरना भाई बहुत जल्दी फट दिए जाते हैं। भाई टीम नंबर वहाँ पर 15 की तरफ फाइट हो चुकी है, वहाँ पर जोर जो नंबर फाइट हो गई टीम नंबर 1 और टीम नंबर आई थी 9 की वहाँ पर फाइट हुई है, डेंजर फट भाई नॉक पड़े हैं टीम नंबर 9 की जिनको मेरे ख्याल से एफ सी डब्ल्यू भाई ने जहाँ तक जी नहीं भाई टीम नंबर 1 टीम नंबर 9 फिनिश किया, और भाई टीम नंबर 1 की पूरी स्कोर खत्म हो चुकी है जो चाहे एंड जावेद भाई की तरफ से नहीं सॉरी भाई की तरफ से की गई है टीम नंबर 9 के जो कि मेरे ख्याल से वहाँ पर एक नंबर की तरफ दी गई है। तो भाई यहाँ पर भाई टीम नंबर 16 की बात फाइट हो रही है, मैं सभी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भाई टीम सीट कहाँ कहाँ से आ रही है यहाँ पर। 90 यहाँ पर खत्म हो चुकी है भाई हाइड्रा प्रो भी मतलब भाई यहाँ पर नॉक किया टीम नंबर 16 के मेंबर टीम नंबर 8 के मेंबर की तरफ से भाई ने मारा गया है यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रा यासीन भाई बहुत दूर अपने टीम मेंबर से तो भाई उन्हें बचाने का कोई चांस नहीं बनता है। एवीजी भाई सोन भाई यहाँ पर फाइट हो चुके जो टीम नंबर आई थी 25 क्योंकि भाई वो हमेशा किसी टीम में रहते हैं एवीजी, तो भाई इनकी जगह अगर स्लॉट ठीक हो तो भाई उन्हें ढूंढना थोड़ा आसान हो जाता है बंदों को, तो भाई इसीलिए अपने अपने स्लॉट में भाई बनाए रखा करो, वरना भाई तुम अपने स्लॉट से कई बार भाग जाते हो तो भाई ऐसा मत किया करो।
और भाई यहाँ पर रिवाइव हो चुके हैं बड़े इजीली, यहाँ पर दोनों जो की यहाँ पर मेरे खास फोटो खत्म भी रखते हैं जो की यहाँ पर फोटो आई थी उनको बड़े इजीली यहाँ पर वाइप करते हैं और अपनी टीम को वहाँ पर बिठा सकते हैं। हर्ष बिलाल भाई फाइट होते तो वहाँ पर भी देखना होगा हमें सारी बात है। हर्ष बिलाल भाई ने फाइट किया तो भाई फाइट जिस तरह हम अभी चलेंगे उनको भाई देख लिया जाए, एक बार स्पोर्ट कर लिया जाए कि कहाँ पर और फिर आप भी मतलब भाई मर चुके हैं जो भी टीम नंबर 16 की तरह वहाँ पर नौ खड़े हुए थे भाई वहाँ पर तो देख लिया जाएगा। तो भाई यहाँ पर टीम नंबर 4 जो की राजा भाई को नॉक करते हुए मुबारक और अलाउद्दीन की भाई वहाँ पर दो ही नंबर से टीम मैच से बचे हैं और क्रिकेट से हमने काफी दूर से वैसे नॉक किया भाई उन्हें बहुत ही बढ़िया वहाँ पर बहुत दूर से नॉक किया उन्हें मेरे ख्याल से ओपन में क्रॉस करने कोशिश कर रहे थे जिस तरह से भाई वहाँ उन्हें नॉक कर पाए हैं पीछे से भाई एस जी एफ जड और भाई एस विजार्ड भाई और आ चुके हैं तो भाई बड़े मेरे ख्याल से डेंजर फंसे भाई मेंबर वहाँ पर अकेले फंस रखे हैं। तो भाई आप तो जफर भाई ने देखे वहाँ पर कहीं पर भाई का भाई मचा टीम नंबर 20 है वहाँ पर भाई की तरफ चला जाए टीम नंबर 20 और भाई यहाँ पर टीम नंबर 3 की फाइट हो रही है जावेद आजे भाई और यहाँ पर उनकी टीम ने नौ मारी थी और जफर भाई भी यहीं पर है यहाँ पर उन्होंने एक टीम को मारा है टीम नंबर 18 के जो की मेरे ख्याल यहाँ पर खत्म हो चुकी है। टीम नंबर 3 के वहाँ पर जावेद आजे भाई अकेले बचे हैं बाकी जो मेरे लेफ्ट सभी टीममेट मारे जा सकता था उनके पास गन नहीं है उन्हें मिला है सिर्फ पैन भाई यहाँ पर और जफर भाई के पास मेरे ख्याल से सब कुछ है यहाँ पर जी हाँ जफर भाई टॉमी और एक मेरे ख्याल से यहाँ पर एटीएम के साथ हैं तो भाई यहाँ पर उनके बाकी के मेंबर्स काफी दूर लग रहे हैं मुझे यहाँ से मुझे लगता है जी हाँ उनके बाकी के मेंबर्स भाई काफी दूर है उनसे भाई उनके लिए दिक्कत हो सकती है उन्हें मेरे ख्याल से अपने टीम मेट के पास जाना चाहिए वहाँ पर जा रहे हैं अपने टीम मेट के पास उनके पास गन नहीं थी अपने टीम मेट के पास जाना चाहिए वहाँ पर जफर भाई के पास क्योंकि भाई वहाँ पर फर्स्ट चुके हैं वो वहाँ पर टीम नंबर 20 है जो कि आई एन डी जावेद भाई और टीम और मेरे ख्याल से रश करेगी इनके फर्स्ट साइड वाली बिल्डिंग में है उनके उनसे पूछते बात किया हमें तो भाई वहाँ पर रश करना चाहेगी वो टीम और जी हाँ वहाँ पर एक बंदे स्पोर्ट हुए जफर भाई को लेकिन जफर भाई वहाँ से निकल चुके हैं उन्हें स्पोर्ट जरूर हुए थे जफर भाई अकेले मेरे ख्याल से फाइट लेना नहीं चाहते तो भाई लेकिन भाई आई एन डी जावेद भाई ने स्पोर्ट करते जो उनसे पूछते बात किया तो भाई बड़े जी ने वहाँ पर मार भी रहा था इसीलिए कहते हैं टीम मैच से दूर नहीं रहना चाहिए उनके टीम मैच से काफी दूर थे जो कि टॉपियर भाई और भाई यहाँ पर पबजी तो भाई काफी दूर थे तो भाई इसीलिए वहाँ पर उनके टीममेट मर गए और भाई अगर सोलो सोलो ऐसे तुम आओगे तो भाई ऐसे ही मारे जाओगे टीम के बीच में वापिस से भाई एक बार टीम नंबर 15 की तरफ रुक कर लिया गया जहाँ की टीम नंबर 9 एस जी एफ जेड भाई ने वहाँ पर जो कि बंदे को नॉक करते हुए और वहाँ पूरी तरह से रुक किया वहाँ पर क्या ही बात है मतलब बहुत ही बढ़िया एस जी एफ जेड वहाँ पर खुद नॉक हो चुके हैं राजा भाई की तरफ से यू जी का काफी स्पेस लिया गया है एस जी एफ जेड भाई वहाँ पर मेरे ख्याल टीम को रिवाइव देंगे यहाँ पर एक भाई वहाँ पर जहाँ पर लिया जा रहा है और भाई सामने की तरफ टीम नंबर 9 के लिए नंबर 9 से तो मेरे ख्याल से उन्हें पूरा ही फिनिश कर दिया गया है टीम नंबर 9 के मेंबर राजा भाई जी के यहाँ पर जी हाँ उनको पूरा फिनिश कर दिया गया है जो कि नहीं भाई राजा भाई जी हाँ पूरा फिनिश कर दिया गया भाई ने हमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गई मुबारक भाई को वहाँ पर स्प्रे दिया गया है कि पीछे से चोट की टीम आ चुकी है क्या ही बात है और भाई हमारा लाउट दिया है और भाई डेंजर फते भाई एक तरफ फंस चुके हैं एक तरफ एक्चुअली जो फंस चुके हैं फिर और 9 की तरफ से आता हुआ है अंदर बिल्कुल जो है मेरे ख्याल से वहाँ पर बैंडेज लगा रहे हैं देखना होगा टीम और भाई सामने भाई एस जी एफ जेड जो की भाई अक्सर टीम यहाँ पर बचती है 19 जे भाई की यहाँ पर फाइट हो चुकी है तो उनकी तरफ भाई हम अभी चलेंगे 19 जे भाई की तरफ जो की यहाँ पर मेरे ख्याल से टीम नंबर 23 है जी हाँ भाई टीम नंबर 23 है उनकी फाइट टीम नंबर 22 के साथ हो रही है तो भाई वहाँ पर जो की प्रिंस सुल्तान प्रिंस की पूरी टीम प्रिंस किंग प्रिंस दोनों तो भाई वापस से टीम नंबर 15 की तरफ हम रुख करना चाहेंगे क्योंकि भाई वहाँ पर फाइट अभी हो रही है जबकि वहाँ पर कोई फाइट नहीं हो रही सामने भाई नेट किया गया है की तरफ और एक्टिव विजार्ड भाई क्या ही ब्लास्ट में है मैगनेट से किलचोर मैगनेट ने बहुत अच्छा वहाँ पर नेट किया और भाई किलचोर मैगनेट सामने स्मोक दिया गया भारतीय टीम मेट को बताएंगे दूसरा नेट किया गया है वहाँ पर मेरे ख्याल से भाई उनके ऊपर नेट का कोई असर नहीं हुआ भाई सामने स्मोक वगैरह किए गए नेट से भाई किल शॉट टाइम काफी लो होते हुए वहाँ पर बहुत लो होते हैं किल शॉट टाइम से भाई यहाँ पर उनकी पूरी स्कोर खत्म सॉरी पूरी स्कोर रश कर चुकी है यहाँ पर एस डी एफ जेड की टीम की तरफ किल शॉट मैगनेट में ख्या रिजार्ड को पूरी तरह से खत्म करने चाहिए क्योंकि भाई इनके टीम मेट अगर रिवाइव हो जाते हैं तो बाद में बड़ी दिक्कत देते हैं तो भाई इसीलिए उनके टीम मेट को पूरी तरह से फिनिश करते हुए एस डी एफ जेड और एस डी एफ जेड दोनों ने अलग अलग टीम के लिए भाई और यहाँ पर देखना होगा एंग्री एफ सी डब्ल्यू को भाई वहाँ पर नॉक कर दिया गया है एस जी एफ भाई वहाँ पर खुद लोगों को एस जी एंड को यहाँ पर देखना होगा एस जी एंड भाई वहाँ पर को कवर करने के लिए लेकिन भाई दो दिनों को की तरफ से और यहाँ पर अकेले बचे हैं भाई टीम मेंबर्स को यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ कर पाएंगे इसके भाई सामने भाई पूरे ही टीम बंदे लेकिन एक बंदे भाई वहाँ पर पूरी तरह से करते हुए और भाई यहाँ पर देखना होगा एस जी एफ को जरूर
और यहाँ पर सुनील बिल्कुल टीम को स्टैंड भी एफपीडब्ल्यू और से जो भी सैनी भाई इनके साथ खेलते थे भाई मैंने कहीं पर उनका कमेंट करा था कि भाई दोनों एक ही मेंबर हैं तो भाई इसीलिए वो दोनों दो अलग अकाउंट से खेलते हैं वो एक ही नंबर और भाई यहाँ पर ए बी जी सर लो भाई नौकर है टीम नंबर 23 के नंबर जो टीम नंबर 22 की तरफ नौके गए वहाँ पर ए बी जी के अकेले टीम नंबर बचे हैं सामने मिल्टा की तरफ जो मिल्टा पावर की तरफ बचे भाई वहाँ पर मार दिया है टीम नंबर 22 के एक नंबर नौ को बड़े भाई डिजाइन मिलेगा बाकी सभी नंबर भाई टीम नंबर 23 के ए बी जी पूरी टीम खत्म हो चुकी है और भाई अभी भी मेरे ख्याल से ए बी जी की टीम बची हुई है जो कि टीम नंबर 25 में आई थी ए बी जी सोमर ए बी जी मोहन ए बी जी उमर और भाई ए बी जी टिल्लू भाई जो कि अक्सर भाई उसी टीम के बीच रहते हैं भाई यहाँ पर टीम नंबर 15 टीम नंबर 7 के साथ भी करीब और टीम नंबर 7 पहुंच पर चुकी है प्रिंस सरबाज भाई के सामने और भाई शोल जुड़े टीम नंबर 7 पूरी टीम आ चुके हैं यहाँ पर कौन अल्ताफ प्रिंस टिल्लू भाई देखना ही होगा यहाँ पर थ्री शॉट हिटिंग के खिलाफ टीम के खिलाफ यह नहीं 3v4 का मामला से भाई यहाँ पर काफी हो सकता है लेकिन भाई तीनों टीम में काफी अच्छे खेलते हैं पीछे जो टीम का काफी अच्छा कवर आता है और भाई इन्होंने आज जो टीम इन्हें हर बार हरा रही थी उसके लिए भाई इन्होंने मार गिराया तो भाई यहाँ पर काफी अच्छी बात है भाई यहाँ पर देखना होगा इनके रस्ते में आज कौन आता है कौन आड़ा बन के आता है तो भाई ये भी हमें देखना होगा तो वापस से भाई यहाँ पर देखिए टीम नंबर 10 के वहाँ पर फाइट हुआ जिस टीम जावेद आज भाई जो टीम नंबर 8 की तरफ फाइट हुई थी वहाँ पर मेरे ख्याल से देख लिया जाए भाई ने और मेरे ख्याल से भाई थोड़ी जगह फिनिश कर दिया गया है जावेद आज भाई जो टीम नंबर यहीं पर आए थे टीम नंबर 8 के साथ जिन्हें बड़े इजीली भाई मारा है वहाँ पर और भाई यहाँ पर देखना और टीम भाई टीम ज्यादा क्लोजिंग नहीं है जो भाई हम उस टीम को दिखाए फिलहाल भाई ये टीम ज्यादा क्लोजिंग है भाई एक ड्रॉप की तरफ भाई चला गया है ड्रॉप की तरफ जो टीम नंबर भाई 24 है काफी करीब टीम नंबर 17 भाई फिलहाल फिलहाल भाई वहाँ पर आते हुए और भाई एक नंबर अब्दुल भाई को वहाँ पर नॉक करते हुए टीम नंबर 24 के बाकी नंबर जो है टीम नंबर 24 उनसे थोड़ी दूर थे भाई वो भी सुधारना चाहेंगे जी हाँ भाई सही छोड़ जाओ भाई आते हुए पीछे से भाई यहाँ पर देखना होगा जी आशीष भाई उनके सामने तो भाई यहाँ पर देखना होगा ट्राई कर पाते हैं हाल फिलहाल भाई दोनों का स्टेडियम है क्योंकि लेकिन भाई वहाँ पर बाल बाल बच्चे थे भाई उनको शॉर्ट हो गए तो उन्होंने स्प्रे दिया लेकिन वहाँ पर फिलहाल प्रॉन हो गए जिस वजह से भाई वहाँ पर स्प्रे से बच गए वरना भाई यहाँ पर मर चुके थे तो मेरे ख्याल से दो ही मेंबर बचे हैं जी हाँ भाई यहाँ पर अब दो ही मेंबर बचे हैं बाकी मेंबर्स को भाई यहाँ पर मार चुके हैं इनके कोई तो इनकी यहाँ पर फाइट नहीं हुई यहाँ पर इनके मेंबर नहीं मरे बाकी के दो मेंबर भाई इनके कहीं और मरे भाई इसलिए भाई टीम नंबर 7 की तरफ टीम नंबर 6 भी आ चुके स्पोर्ट हाउस की तरफ और भाई वहाँ पर पीछे से उनकी तरफ काफी तकड़ा रश हो चुका है इस तरफ भाई वो टीम नंबर 15 से फाइट ले रही है पीछे से भाई टीम नंबर 6 आ चुकी है तो काफी दिक्कत हो चुकी है उनके लिए और भाई टीम नंबर 17 से टीम नंबर 24 भाई वहाँ पर दे दिया जा रहा है भाई यहाँ पर देखना होगा स्मोक के अंदर पूरा फ्री फायर लेकिन भाई क्या ही है भाई ने नॉक किया वहाँ पर मेरे ख्याल से देखा जाए भाई यहाँ पर रश करेंगे क्या कर पाएंगे दूसरे टीम मेंबर यासीन खान भाई को भी नॉक किया गया भाई सीधा रश होना चाहिए मेरे ख्याल से हम उन्होंने उनकी एक टीम में भाई रश करते हुए लेकिन मुझे नहीं लगता भाई वहाँ पर कर पाएंगे भाई वहाँ पर हल फिलहाल भाई पहले से काफी उनकी टीम में जो है वो मेरे ख्याल से नहीं नेट करने चाहिए यहाँ से और भाई अगर यहाँ से नेट बुक करके बनाएंगे दो तीन मिनट का करिए इस तरह खाएंगे तो काफी अच्छा भाई यहाँ पर हो सकता है यासीन भाई दुनिया किया जा रहा है भाई यहाँ पर देखना होगा हल फिलहाल भाई सीधा घुसे सामने से नेट किया गया है लेकिन नेट भाई बिल्कुल फाल चुका हो गया वहाँ पर लेकिन भाई वहाँ पर सीधा ही घुसे हैं भाई एक टीम में वहाँ पर खेल छोड़ जाओ भाई वहाँ पर खेल लेते हैं खेल छोड़ जाओ भाई देखिए 1v2 का मामला होने वाला है वहाँ पर क्या ही कर पाएंगे 1v2 कर पाएंगे या नहीं तो भाई यहाँ पर क्या ही हुआ था वहाँ पर हल फिलहाल भाई टीम मेंबर्स ने भाई वहाँ पर बचा लिया अपने मेंबर्स को वहाँ पर नॉक कर दिया 1v1 का मामला हो गया तो भाई वहाँ पर बचा लिया अपने टीम मेंबर्स को भाई इसलिए तो टीम नंबर सात भाई साइड में हो चुकी है कि भाई क्योंकि भाई टीम नंबर 6 आ गई तो टीम नंबर 15 से भाई पहले ही ऑलरेडी साइड में रहते भाई इसलिए और टीम साइड में गौर भाई टीम नंबर 22 आई थिंक टीम नंबर 13 से देखने वाली है जहाँ तक मुझे लगता है टीम नंबर 13 के गाँव नॉक पड़े बाकी के मेंबर्स भाई काफी दूर होंगे तो भाई यहाँ पर देखना होगा भाई ऐसा क्यों करते हैं आप साइड भी भाई जो काफी दूर अपने टीम मेंबर से मतलब भाई ऐसा नहीं करना चाहिए आप अपने मेंबर से दूर जा रहे हो तो भाई जोन में निकल गए थे लेकिन भाई उनके बाकी मेंबर शिवानी की तरफ जोन खुलने की तरफ से ट्रांसफर हो चुका है तो भाई यहाँ पर देखने का काफी रोमांच आ सकता है टीम नंबर 7 भाई जो की फाइट ले रही थी लेकिन भाई वहाँ से निकल लिया भाई जो की मैड मैच की टीम है भाई वो भी यहाँ से निकल लिया है तो भाई यहाँ पर देखना होगा हमें और भाई आज का रिवॉर्ड थोड़ा अलग है क्योंकि भाई अगर आप किसी स्पॉट 20 तरह की चिकंडी मैं लेती है उनके जितने भी बंदे भाई चिकन डिनर में अलाइव होंगे जितने भी बंदे जिंदा होंगे उन्हें 10-10 किसी को रिवॉर्ड दिया जाएगा भाई जी अगर कोई 20 किल नहीं भी कर पाता है और लास्ट किल करता है और चिकन डिनर लेकर जाता है तो भाई उसे भी 10 किसी दिए जाएंगे जो लास्ट किल करेगा तो भाई देखना होगा यहाँ पर कौन सी टीम 20 किल कर पाती है और भाई कौन कितनी टीम में कितने मेंबर अलाइव होते हैं तो एरर भाई और टीम नंबर 10 और टीम नंबर 21 वहाँ पर फाइट हो चुकी है जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ वहीं पर भाई बारम्बार वहाँ पर न्यूक्लियर भाई नॉक पड़े हैं जो कि मेरे ख्याल से भाई टीम नंबर पूरी तरह से फिनिश किया गया उन्हें नेट से और भाई यहाँ पर एरर भाई नॉक पड़े थे और भाई यहाँ पर एक्वाटिका जो
उनके टीम के साथ आज खेल रहे हैं, मेरे ख्याल अपने टीम के साथ आज नहीं आए भाई। यहाँ पर देखा होगा टीम नंबर 21 के अभी भी दो मेंबर अलाइज है भाई, यहाँ पर जो भाई ड्रोन वगैरह पड़े हैं। तो भाई यहाँ पर काफी जिम्मेवार कितने का मैच और पिता जी हो, मेरे ख्याल से स्पॉट के नहीं है उसकी भाई, वो उस तरफ है, इसीलिए भाई बड़े जिम्मेवार कितने एरर भाई इस तरफ से वहाँ पर प्लान करते हैं। तो एरर भाई को वहाँ पर पीछे जा सकते हैं भाई उनके टीम में, और यहाँ से मेरे ख्याल स्पॉट भी दिले हो सकते हैं, लेकिन एक्वा पिता जी भाई ने उधर ध्यान नहीं दिया जिससे भाई स्पॉट नहीं हुए, लेकिन एरर भाई को स्पॉट हो जाए क्योंकि जिस घर में वो है भाई उस सबसे मेरे ख्याल साउंड बड़े इजीली आती है। तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ वहाँ पर स्पोर्ट करते हैं बड़े, और भाई किसी मतलब भाई उनकी किस्मत देखिए, मतलब भाई वो अच्छे साथ किसी और कमरे में बैठे हुए थे, और यहाँ पर वन ट्रैकिंग नेट बुक किया गया है और भाई जाते ही फटेगा जैसे कि मैंने कहा था, दो में ही नंबर का था, मतलब अच्छे खासे भाई वो किसी और कमरे में बैठे थे। तो भाई इसी नेट के लिए भाई एक लाइट बनता है बिल्कुल भाई 0.1 ट्रैकिंग नेट इन्होंने कुक करके फेंका और भाई वो गिरते ही फटा है, तो मतलब भाई हिलने का मौका नहीं मिला है प्लेयर्स को, यहाँ पर काफी अच्छे नेट बुक करके इन्होंने फेंका है। तो भाई इस बात के लिए वीडियो को लाइक करता है, और भाई लाइक से क्या होता है सब्सक्राइब करें उस लाल बटन को दबा दें, वैसे भी आप लाइक का दबाओगे भाई लाइक से ज्यादा कुछ नहीं होता भाई, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो भाई यहाँ पर टीम नंबर 19 टीम नंबर 13 और भाई टीम नंबर 17 मतलब क्या ही बात है, टीम के साथ मतलब बहुत ही यहाँ पर घमासान मचने वाला है। तो भाई यहाँ पर हमें देखना होगा टीम नंबर 17 और भाई टीम नंबर 19 टीम नंबर 17 के एक नंबर कई शक्ति भाई वहाँ पर जहाँ तक मुझे हाल फिलहाल भाई को खत्म करते हैं, क्या ही बात है वहाँ पर बहुत बढ़िया टीम नंबर 19 की तरफ से रेड आशु भाई और यहाँ पर देखना होगा सामने भाई नेट किया गया, लेकिन भाई नेट इतनी दूर तक नहीं गया, कई शक्ति भाई को काफी लो किया गया है यहाँ पर सैडी भाई की स्कोर सैडी पबजी टीम, तो भाई यहाँ पर उनकी तरफ से काफी लो किया गया, और भाई यहाँ पर रसूल डॉन भाई को वहाँ पर नॉक किया गया, प्रिंस सुल्तान की टीम तरफ से खिलाई पांचवी भाई यहीं पर आ चुकी है, मतलब क्या ही बात है मेरे टीम नंबर 5 भाई हो ही रहे हैं, और टीम नंबर 5 भाई यहाँ पर आ गई, मतलब काफी गलत सीन हो सकते हैं उनके साथ टीम और प्रिंस टॉन के साथ भाई वहाँ पर प्रिंस टीम मेरे का प्रिंस टॉन भाई वहाँ पर डील करते हुए पीछे से पूरी टीम आ चुकी है टीम नंबर 5 और भाई यहाँ से निकल लिए ही पकड़ते भाई यहाँ से निकल लिया टीम नंबर 5 यहाँ पर, लेकिन मैं उनके गाड़ी को काफी ज्यादा डैमेज दे रहे हैं और भाई यहाँ पर निकलते हुए टीम नंबर 13 की तरफ से भाई उन्होंने फायर आया था, टीम नंबर 19 का निकल दिया है यहाँ भाई बीच में कोई पिछना चाहेगा भाई कोई नहीं पिछता बीच में, टीम नंबर 5 और टीम नंबर 22 के अभी यहाँ पर फाइट लंबी चल सकती है, भाई उनके नंबर काफी करीब आएंगे फाइट लंबी चल सकती है, टीम नंबर 19 का टीम नंबर 5 की तरफ जाती है जब शोल जी भाई और भी टीम और उनके साथ उनकी फाइट जैसे कि हम कह ही रहे थे भाई की शिवानी की तरफ पूरी तरह से जोन ट्रांसफर हो सकता है, और भाई शिवानी के अंदर ही पूरी तरह से जोन बना है यहाँ पर, तो भाई कई बार अपनी बात भी सच निकल जाती है, मतलब हाथों कोई भाई सामने पता नहीं था भाई यहाँ पर देखना होगा लेकिन नहीं भाई थोड़ा दूर है वो रोड से उस पार है, लेकिन ये पार लेकिन भाई वहाँ पर गाड़ी स्पॉट हो चुकी है दोनों ही टीमों को, मेरे ख्याल से पता चल चुका है कि भाई यहाँ पर बंदे हैं कई टैक्स की भाई वहाँ पर टीवी भाई
ऐसे हैकर नहीं, दिल की बात लूटने वाले हैकर हैं भाई, गेम वाले हैकर नहीं है। बिल्कुल भाई, वरना भाई कई लोग तो शुरू हो जाते हैं कि भाई हमें हैकर बोला है, ये है, वो है, ऐसा भाई। कोई गलत बात ना समझे, आप कोई गेम के हैकर नहीं है, आप सिर्फ दिल के हैकर हैं। दिल की बात छीन ली आपने आरिफ भाई की। बिल्कुल भाई, मतलब हम सोच ही रहे थे कि तीन नंबर एक से हम तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं, तुमने भाई ने भर किया, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे की जान मिली, तुमने अकेला नंबर बचा था भाई, तुम वो भाई ऐसा नहीं करते यार, तुमने भाई वाली भी ठीक है। भाई जो कुछ करो तो भाई ट्रांसफर ही हो गया, मतलब काया ही पलट गई शिवाय की तरफ भाई, और भाई पूरी तरह से भाई वहाँ पर बैठी थी। ये भी तुम्हारे भाई की फाइट होती है, तुम नंबर बच्चे थे, तीन नंबर सात के बाद भाई की फाइट होती है। ये भी भाई यहाँ पर काफी दूर है और ऊपर से भाई के पास कार्य जो की भाई स्प्रे देते ही नाचने लग जाएगी भाई, बहुत ज्यादा नाचती है भाई। यहाँ पर देखना और ट्राई कर पाते हैं वहाँ पर किसी को नॉक कर पाते हैं नहीं, लेकिन भाई सामने काफी अपर रीच का एडवांटेज है। तीन नंबर बीस भाई एक तरफ से आती है जो की मेरे साथ स्पोर्ट सकते भाई, मतलब क्या ये भाई, मतलब
भाई तुम मरना ही पड़ेगा गाड़ी को, भाई जब चार जन दे देंगे तो भाई गाड़ी को ब्लास्ट होने लगे कि भाई ब्रिज के ऊपर बढ़ेगी स्लोली चढ़ती है यू एस एड खास कर भाई, इसलिए वहाँ पर मरते हुए भाई पूरी स्पोर्ट गाड़ी से ही ब्लास्ट कर दी, यहाँ पर खत्म कर दिया यहाँ पर ए बी सी की टीम ने भाई यहाँ पर, भाई इसी के साथ समझ की करते हैं तो भाई यहाँ पर देखना होगा कि भाई ब्रिज की टीम कर सकते हैं भाई, दूसरे ऐसा ब्रिज की कोई टीम कर पाएगी तो भाई यहाँ पर देखना होगा अगर कोई ब्रिज टीम कर पाती है टीम तो फिलहाल तो भाई यहाँ पर जो ब्लास्ट नहीं करेगा मेरे को उसी का रिवॉर्ड लग रहा है, फिर भी भाई पिछली सीट पर भाई गेम है तो भाई गेम में क्या ही बोले हम तुम्हें, जैसे भाई कभी भी भाई दिन पलट सकते हैं किसी के भी भाई, यहाँ पर देखना होगा भाई कौन कोई और टीम अगर क्लोजिंग हो भाई, टीम नंबर टू के मेम्बर्स भाई काफी क्लोज आ रहे थे काफी लेकिन भाई ओपन में वहाँ पर लेटे हुए हैं जिसकी वजह से भाई स्पॉट हो सकते हैं, टीम मेम्बर्स को नॉक किया तो भाई यहाँ पर देखना होगा उन्हें काफी करीब टीम नंबर तेरह भाई बहुत ही बढ़िया, तो भाई यहाँ पर देखते हुए तेल छोटा गण है वहाँ पर एक मेम्बर को नॉक करना भाई सीधा ही रेस्ट करेंगे वहाँ पर, टीम नंबर तेरह के मेम्बर तेरह जो भाई नहीं के सामने वाले घर में थे वहाँ पर सीधा ही रेस्ट करते हैं, क्या ही बात है डैडी भाई की स्पोर्ट, तो भाई डैडी भाई की स्पोर्ट अब सब दिन है मतलब भाई यहाँ पर काफी जैसे एक ही जगह पर लाइफ खड़े हैं तो भाई यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अरे वैली भाई और भाई रख चुके तो भाई उनकी तरफ से हम जरूर चलेंगे, तो भाई यहाँ पर देखना और मैंने भाई वहाँ पर नेट किया मैंने क्या सीख रही और भाई एक और भी का छोटी फाइट हो चुकी है तो भाई उनकी टीम की तरफ पीछे ला जाएगी उसमें भाई वहाँ पर एक बंदे को नॉक कर सकते हैं भाई नैड मैक्स भाई ने यहाँ पर एर भाई को नॉक किया भाई यहाँ पर मेंबर्स बहुत ज्यादा नॉक पड़े हैं, एक और भी काफी अकेले बच्चे भाई अपनी टीम के मेंबर्स को भाई यहाँ पर नैड मैक्स भाई काफी अच्छा खेलते हुए एक और भी काफी को भाई यहाँ पर स्प्रे दिया गया है भाई ओवर के वहाँ पर स्प्रे फिर से भाई गाड़ी ब्लास्ट करने की कोशिश लेकिन भाई वहाँ पर खुद भी काफी लोग हैं और भाई ऊपर से अकेले बच्चे अपने टीम मेंबर्स मेरे ख्याल से वहाँ पर नैड वगैरह करना चाहिए लेकिन भाई उन्होंने गाड़ी ब्लास्ट कर दी जिसका काफी अच्छा कवर बना सकते हैं, हमेशा जिस टाइम पर अगर गाड़ी के पास नैड कर दे स्कोर मार किया वहाँ पर लेकिन भाई चीज आई मेरे ख्याल से वहाँ पर खड़े हो रखते हैं तो भाई एक और भी काफी बड़ी टीम आ सकते हैं लेकिन नहीं भाई वहाँ मेरे ख्याल से अगर नेट वगैरह करते हैं तो भाई बड़ी टीम यहाँ पर हमें टीम है छोड़ मैड भाई साड़ी भाई फुल छोड़ को खत्म करते हैं तो भाई यहाँ से भी बैक साड़ी जाती है मैड मैक्स भाई तो यहाँ पर फिर छोड़ के भाई नौ छोड़ मैंने भाई वहाँ पर फुल टीम मतलब खत्म ही कर दिया भाई वहाँ पर जो टीम नंबर तेरह थी और अपने टीम मेम्बर को बचाने के वहाँ पर बड़ी थी भाई लेकिन भाई मैं क्या ही बताऊँ जितने ओपन में लेटे हुए हैं ना मतलब भाई उनकी तरफ से कितने स्प्रे ही पड़ेंगे और स्प्रे का देख सकते हैं शुभम भाई स्पॉट में शुभम भाई को मारा जा रहा है यहाँ पर जहाँ बात है टीम नंबर फाइव की तरफ शुभम भाई को मारा जा रहा है भाई ड्रॉप करके काफी अच्छे कवर ले सकते हैं लेकिन भाई वहाँ पर टीम मार रखा रहे हैं तो भाई मतलब भाई उन्हें जिस तरफ से पड़ेगी उस तरफ से मर गया भाई चल चढ़ मैं तो ये टीम भी स्पॉट हो गई तो भाई बड़े जीने का यहाँ पर मार सकते हैं इस टीम को भी क्योंकि भाई बहुत ओपन में प्रोन है ये टीम मतलब भाई इतने ओपन में कौन प्रोन होता है मुझे बताए मतलब भाई भाई वहाँ पर नौ कोशिश है मतलब जहाँ की बात है गेमिंग
देख लिया जाए 16 और 17 की